महकमा तालीम सिंध और तालीमी बोर्ड्स बेबस। इंटरमीडिएट इम्तहानात में परसों का वक्त से पहले आउट होना मामूल बन गया। कराची नौशहरो फिरोज डहरकी में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आधा घंटे पहले ही तालिब इल्मों के पास पहुंच गया। पर्चा सोशल मीडिया पर भी वायरल। शिकारपुर में इंग्लिश का पेपर भी वक्त से पहले आउट। मुगलपुरा लाहौर में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। 3 की हालत तश्वीशनाक। वर्षा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। डीएसपी अनारकली सर्कल कहते हैं एहलकार इरफान ने मुबैना तौर पर फायरिंग की। वाकये में 3 मुलजिम मुलव्वस थे। मुतासरा फैमिली दरख्वास्तें, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नैब के हाथों एक और बड़ी गिरफ्तारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कार के रेंटल पावर केस में साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में मुलजम के घर छापे में स्कैंडल से मुतालिक अहम दस्तावेजात बरामद। शाहिद रफी को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। विफाक के बाद तब्दीली की पंजाब काबीना के दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज बनीगाला में बुला लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुलाकात के लिए तलब। पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर लाहे अमल तय होगा। सूबाई वज़रा की कारगर्दगी रिपोर्ट्स भी वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल। कराची में शारा फैसल रोड पर फ्लाईओवर के नीचे ट्रेलर और डंपर में तसादम। रोड ब्लॉक होने से गुलिस्तान जौहर से शारा फैसल जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक को मुतबादल रूट्स की जानिब मोड़ दिया गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर ओड़मारा में दहशतगर्दी का अलमनाक वाकया। पाकिस्तान का ईरान से शदीद एहतजाज। वजारत खारजा ने एहतजाजी मसला ईरानी सफारतखाने को भिजवा दिया। पाकिस्तान का ईरान से कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इंतहा पसंद हिंदू हदें पार करने लगे। भारत की तिहाड़ जेल में मुसलमान कैदी को जबरन हिंदू बनाने की कोशिश। कैदी शबीर की पीठ पर लफ्ज ओम दाग दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुसलमान कैदी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लातिनी अमरीकी मुल्क पेरू में खौफनाक आतिशबाजी। दारुल हुकूमत लीमा के एक गोदाम में लगने वाली आग फैल गई। एतराफ में मुतअद्दिद इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। और बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम आज दोबारा लाहौर में तरबियती कैंप में शिरकत करेगी। 17 रुकनी दस्ता 2 रोज कैंप में हिस्सा लेगा। टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूँ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। सिर्फ एक वजीर को निकाला गया, एक ने खुद इस्तीफा दिया। असद उमर से जितनी मेहनत हो सकती थी उन्होंने की। मामले पर तूफान खड़ा कर दिया गया। ये कप्तान ने फैसला करना है कि किस को कहां खड़ा किया जाए। शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नैब जदा अफराद इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान को 5 साल पूरे करता देख रहा हूं। जो मर्जी कर ले, नवाज शहबाज जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिलावल बाप की करप्शन के लिए खड़ा हुआ तो उसकी सियासत भी खत्म होगी। मैं ट्रिपल एस शॉर्ट स्मार्ट स्वीट सियासतदान हूं। आपको बताएं कि शेख रशीद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि सिर्फ एक वजीर को निकाला गया है और एक वजीर ने खुद इस्तीफा दिया है। असद उमर से जितनी मेहनत हो सकती थी उन्होंने की है। इस मामले पर तूफान खड़ा कर दिया गया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि यह कप्तान ने फैसला करना है कि किसको कहां खड़ा किया जाए। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान। देखते रहिए 92 न्यूज़।